हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ लिपस्टिक्स का रिव्यू। आई नो आप लोगों को लिपस्टिक्स के रिव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज का हमारा लिपस्टिक है इनसाइड मैट लिपस्टिक। तो यहाँ पे मैंने 3 शेड्स मंगवाए हैं। तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है femstyle212। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। काफ़ी टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ इनसाइड के लिक्विड लिपस्टिक्स का भी रिव्यू शेयर किया था, जो कि रिटेल करता है जस्ट 75 रुपीज का। तो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वाली वीडियो को चेकआउट करने में, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल लिक्विड लिपस्टिक्स थे, इस वजह से मैंने इनको परचेज किया था, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज गर्ल्स और यू नो ऑफिस गर्ल्स मुझे टेक्स करते हैं कि आप अफोर्डेबल रेंज के लिपस्टिक्स हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो जनरली मैं जितने भी रिव्यूज शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं। तो आज का जो हमारा लिपस्टिक है, ये है इनसाइड का मैट लिपस्टिक। तो इसमें मेरे पास टोटल यहाँ पे 3 शेड्स हैं, तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो जो शेड मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, सभी के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। बाय द वे, स्टार्टिंग विद द लिप शेड, आज जो मैंने लिप शेड अप्लाई किया है, ये है L18 का मैट लिपस्टिक। इसमें मेरा शेड है पिंक शो। इसको मैंने टॉपअप किया है आई एम्स्टरडैम की लिक्विड लिपस्टिक के साथ, जिसमें मेरा शेड है शेड नंबर 29। सो स्टार्टिंग विद द पैकेजिंग, ये जो प्रोडक्ट है ये इस तरह के कार्टन बॉक्स में आता है। आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी क्वालिटी का कार्टन बॉक्स है। जनरली जितने भी हाई एंड लिपस्टिक्स भी आते हैं, वो आपको किसी भी तरह के आउटर पैकेजिंग में रिसीव नहीं होगा। जैसे कि ये जो मेबलिन के लिपस्टिक्स है, ये आपको डायरेक्ट इस तरह से रिसीव होता है। बट यहाँ पे ये जो लिपस्टिक है, आपको इस तरह के कार्टन के फॉर्म में मिलेगा। इस पे आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट मिल जाएगा, प्राइस, शेल्फ लाइफ, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो प्राइस पॉइंट की बात करूं तो जस्ट 80 रुपीस का ये लिपस्टिक रिटेल करता है, तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। और शेल्फ लाइफ की बात करूं तो ये 3 इयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ है, तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको 26 शेड मिल जाएंगे, तो काफी ज्यादा वाइड रेंज है। इसमें आपको न्यूड लिपस्टिक्स मिल जाएंगे, ब्राउन, पिंक, रेड, मरून, सारे तरह के कलर्स मिलेंगे। इवन आपको पर्पल एंड पिंक शेड्स भी मिल जाएंगे। तो बहुत ही यू नो वाइड वैरायटी है, तो आपको इसमें से अपने पसंद का शेड डेफिनेटली मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे शेड नेम भी मेंशन है, तो ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। और जैसे ही इसको आप इस तरह से ओपन अप करेंगे, तो आपको अंदर में इस तरह का लिपस्टिक मिलेगा। तो ये जो बुलेट है, ये काफी ज्यादा क्यूट है। जितने भी लिपस्टिक्स हैं, सारे के सारे कलर कोऑर्डिनेटेड हैं, तो आपको बाहर पे शेड मिल जाएगा। मैं एक और शेड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट आपको इजीली समझ में आए। तो जितने भी लिपस्टिक्स हैं बाहर से जो है, वो लिपस्टिक के ही शेड के होते हैं। तो ये काफी ज्यादा क्यूट है एंड कन्वीनियंट भी है, आपको आपका शेड पता चल जाएगा। यहाँ पे शेड के यू नो नंबर्स मेंशन है, अगेन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पीछे आपको शेड के नेम्स भी मिल जाएंगे। और इस तरह का पैकेजिंग है, तो इनर पैकेजिंग मुझे थोड़ा सा फ्लिम्जी लगा, बट 80 रुपीस के हिसाब से काफी सही वाली पैकेजिंग है। थोड़ी सी फ्लिम्जी है, बट ऐसी भी नहीं है कि ये जो पैकेट, ये जो लाइक कैप है, ये लूजन अप हो जाएगी। ये काफी ज्यादा टाइट है। ये जो लिपस्टिक है, इसमें आपको डबल लॉक मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप एक बार इसको लाइक प्रेस करेंगे, तो ये सिंगल लॉक होगा। इस तरह से दोबारा प्रेस करेंगे तो ये डबल लॉक हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा यूनिक है और बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप इसको डबल लॉक करके रखिए, अगर आपको इसको घर पे ही रखना है तो आप इसको सिंगल लॉक करके भी रख सकते हैं। और ये जो है टिक साउंड से क्लोज होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी ओपन अप नहीं होगा ये वाला पैकेजिंग। और जैसे ही इसको ओपन अप आप करेंगे, तो इस तरह का लिपस्टिक जो है बुलेट फॉर्म में आता है, बट अंदर से लिपस्टिक जो है ये काफी ज्यादा फ्लिम्जी है। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, अगर आप ज्यादा प्रेस करके इसको अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो जब भी लिपस्टिक को अप्लाई कीजिए, तो बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से ओपन करके आप इसको अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि एक लिपस्टिक मुझे जो है ब्रोकन रिसीव हुई है, जो कि मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। ऑब्वियसली अगर न्यू लिपस्टिक आपकी टूट जाए तो बुरा तो लगता ही है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप इसको पूरी तरह से ओपन अप करेंगे ना, तो लिपस्टिक डेफिनेटली टूट ही जाएगी। तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से ओपन कीजिएगा, बट ये लिपस्टिक मेरी ऑलरेडी टूटी हुई थी, तो इसको मैंने इस तरह से जस्ट प्रेस करके रख दिया है। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा, बट 80 रुपीस के हिसाब से ये काफी ज्यादा डिसेंट इसकी पैकेजिंग है। आप लोगों को इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी एंड इसके फ्रेग्रेंस और इसके फॉर्मूला के बारे में बताऊंगी। तो ये जो शेड है, दिस इज स्यूट अप पिंक A27। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्राइट पिंक शेड है, कूल टोन्ड है इसका, और ये सारे स्किन टोन में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इसको जस्ट एक बार अप्लाई किया, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर का है। और अगर आपकी लिप्स थोड़ी सी भी पिगमेंटेड है, तो पिगमेंटेशन हाइड कर देती है। अब मैं इसका सेकेंड कोट भी अप्लाई करने वाली हूँ।
तो मैंने इसको सेकेंड कोट लाइक इसका अप्लाई कर लिया है। मैं इसका हैंड स्वॉच भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सा पिंक शेड है। तो ये आप देख सकते हैं कि कलर इसका बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। तो कम रेंज की लिपस्टिक्स होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है उसका एप्लीकेशन। तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लिपस्टिक्स ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन बिल्कुल भी स्मूद नहीं होता है, बट इसका एप्लीकेशन काफी ज्यादा स्मूद है। मैंने आप लोगों को सामने से अप्लाई करके दिखा दिया। फ्रेगनेंस की बात करूँ तो इसमें कोई भी केमिकल वाली फ्रेगनेंस नहीं है, इनफैक्ट कोई फ्रेगनेंस ही नहीं है, जो कि बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रेगनेंस से इशू होता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसका एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा है, प्लस इसमें कोई फ्रेगनेंस नहीं है। एंड आप देख सकते हैं कि लिप्स पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने इसको अप्लाई किया है एंड इसको अप्लाई किए हुए मुझे अराउंड अब 20 to 30 seconds हो चुके हैं। एंड आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा इसका फिनिश है, फिनिश इज रियली वेरी गुड। क्योंकि इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा स्मूथ है तो ये लिप्स पे बहुत देर तक लास्ट नहीं करेगा। ये आपके लिप्स पे अराउंड 4 to 5 hours के लिए लास्ट करेगा मैक्सिमम। बट अगर आप कुछ भी खाएंगे तो ऑब्वियसली ये मिडल से फेड अवे होना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका फिनिश जो है ये क्रीमी मैट है, दैट्स व्हाई। इस लिपस्टिक को रिमूव करने के लिए आप कोई भी मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हैं, वेदर इट बी ऑयल बेस्ड या फिर वाटर बेस्ड, आप आराम से इसको रिमूव कर पाएंगे। एंड लिपस्टिक को रिमूव करने के बाद आपके लिप्स पे ये किसी भी तरह का स्टेन नहीं छोड़ेगी। एंड आप देख सकते हैं कि मेरे लिप्स पे फाइन लाइन है, बट ये बिल्कुल भी फाइन लाइन को एम्फसाइज नहीं करता है। बहुत ही अच्छा इसका एप्लीकेशन है और बिल्कुल भी चीप लुक नहीं देता है। अगर आपको इस लिपस्टिक को ट्रांसफर प्रूफ बनाना है तो आप इसको थोड़ा सा डैम्प कर लीजिए किसी भी टिश्यू पेपर पे, तो इससे इसका फिनिश थोड़ा सा मैट हो जाएगा और ये थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। अब टेस्ट कर लेते हैं इसका ट्रांसफर अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये ट्रांसफर प्रूफ है या फिर नहीं। तो क्योंकि ये क्रीमी मैट है तो ऑब्वियसली ये ट्रांसफर होगी, बट स्टिल मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सो यस, डेफिनेटली ये लिपस्टिक ट्रांसफर होती है, बट आप देख सकते हैं कि उसके बाद भी मेरे लिप्स पे जो है काफी अच्छी तरह से ये स्टे कर रही है, तो बिल्कुल आसानी से ये बाहर नहीं आएगी। आप ऑब्वियसली इसको कैरी करेंगे और टचअप करते रहेंगे तो आपके लिप्स पे ये ऑल डे तक लॉन्ग लास्ट करेगी। सो दिस इज माय नेक्स्ट शेड, इसमें मेरा शेड है, दिस इज A13 डेयरिंगली न्यूड। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइट न्यूड शेड है, बट ये वाला जो शेड है ये वेरी फेयर टू फेयर स्किन टोन वालों पे ही अच्छा लगेगा। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के शेड्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, बट क्योंकि मेरी माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है जिसकी वजह से ये सारे शेड्स मुझे फेड आउट करते हैं। तो अगर आपको इस तरह के शेड्स परचेज करने हैं, ये वाला शेड परचेज करना है, तो आप कोई भी लिप लाइनर से अपने लिप्स को लाइन कर लीजिए, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट सा शेड है ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए। तो ये डार्क स्किन वाले बिल्कुल भी परचेज मत कीजिए। अगर आपकी इवन व्हाइटिश या मीडियम स्किन टोन है तो आप इसको परचेज मत कीजिएगा। और इससे पहले जो मैंने पिंक शेड अप्लाई किया था, ये सारे स्किन टोन के लिए बिल्कुल परफेक्ट सा ब्राइट पिंक शेड है। आप देख सकते हैं इसका हैंड स्वॉच मैंने यहाँ पे शेयर किया था। तो ये शेड भी पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो अगर आपको डे टाइम के लिए कोई लाइट सा लिपस्टिक चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो मेरा लास्ट एंड जो मेरा फेवरेट शेड है, दैट इज A2 न्यूड कॉफी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूड शेड है और ये इसका हैंड स्वॉच है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो शेड है ये वेरी फेयर से मीडियम स्किन टोन वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपकी डीप स्किन टोन है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप लिप लाइनर की को अप्लाई करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल भी फेड आउट नहीं करेगा। ये शेड पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। एंड ये वाला जो शेड है, दिस वन, ये जो शेड है ये मेबलिन का मेडिसिन रेड से काफी ज्यादा मिलता जुलता शेड है। तो ये जो है ये लिमिटेड एडिशन वाला लिपस्टिक है। मैं इसका भी यहाँ पे स्वॉच आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा सिमिलर से शेड्स है, ज्यादा कुछ खास डिफरेंस है नहीं। तो अगर आप 300 की लिपस्टिक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आपको अफोर्डेबल रेंज की लिपस्टिक चाहिए, तो आप इस वाले लिपस्टिक को परचेज कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा फेमस शेड है इस वाले रेंज में से। अगर आपको ये परचेज नहीं करना तो आप इसको परचेज कर लीजिए। ये शेड मुझे बेहद पसंद है, एवरीडे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए। अगेन ये बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है। तो अगर मुझे ये इन लिपस्टिक्स को रिकमेंड करना होगा तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, वर्थ ट्राइंग है। इनमें मुझे कोई भी कॉन नजर नहीं आती एक्सेप्ट फॉर द पैकेजिंग। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए अगर आपको क्रीमी मैट लिपस्टिक्स पसंद आते हैं तो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इनसे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो यस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।